मुझे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद ये बेचारा शनाका वगैरह रोना दें बैठ के ग्राउंड में, जिस तरह से मारा है विराट कोहली ने। लेकिन पहले शुरू पूरी वर्ल्ड क्रिकेट, हाजिर क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर, जितने भी नाम नयात कागजी पेपरी किंग खेलने, उन सब किताबी कागजी पेपर के जो बच्चे बनाते हैं कलर पेंसिल लेके, उन किंगों का एक ही बाप विराट कोहली। और एक बात तो नहीं है कि एवरीवन इज अ किंग until the real kings ever enter. बिल्कुल छा गया विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया। भारत ने 373 ताबड़ तोड़ 73वां सेंचुरी विराट कर दिया 7300। यही वजह है जो आज यहाँ इसकी तस्वीर मैंने एक अरसे से लगाई है। बुरे टाइम का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली को, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत है। और फाइनली इसको कहते हैं ना, अब हमारे इसको कहते हैं टाइम पूरा जबरदस्त किस्म का आने वाला है, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से रन आने वाला है। क्योंकि अब ये नहीं रुकेगा, अब विराट कोहली अनस्टॉपेबल हो चुका है, ये नहीं रुकेगा। और मुझे डर, मतलब ये क्या चीज क्या है ये कोहली? मतलब देखें, आज जो डिसीजन था, मतलब पहले कोहली की, पता एक बात बिल्कुल अलग है। आई मीन वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, उसकी जो क्लासीनेस है ना, जो उसका फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, जो उसके पास वो जो क्लासिकल स्ट्रोक्स है, वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में वैसे ही खेल के देता है वो। और आज भी उसने, दिस इज द विराट कोहली वी यूज्ड टू नो। और वो जो सवा तीन साढ़े तीन साल से जो नहीं आ रही थी सेंचुरी, तो उससे पहले ऐसे ही था, हर सीरीज में एक दो। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भाई का चैनल कर्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों बात करें तो आज का जो पहला ओवर या इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंडिया ने बैटिंग करते हुए 374 रन जड़ दिए। और इसमें विराट कोहली का शानदार 113 रन का शतक था और रोहित शर्मा की लाजवाब 83 रन की पारी थी और साथ में शुभमन गिल का साथ था, जिसकी बदौलत इंडिया ने 374 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा। और उसके बाद इंडिया ने गेंदबाजी में उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी और युजवेंद्र चहल सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन विराट कोहली का शतक जो अलग ही लेवल था और 73वां शतक विराट कोहली ने जड़ दिया। और कुछ दिन या फिर उसके बाद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का भी जो ओडीआई में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ेंगे। इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया, देखते हैं मज़ेदार वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिकॉज विराट कोहली 22 रन कम बने हैं थोड़े, तो विराट कोहली जनाब मुसलसल दूसरा 100 और पिछले मैच में भी 100 आया था और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ और अभी, तो ये वो तो ऊपर नीचे दो मैचों में 100, तो दिस इज द विराट कोहली वी यूज्ड टू नो। और वो जो सवा तीन साढ़े तीन साल से जो नहीं आ रही थी सेंचुरी, तो उससे पहले ऐसे ही था, हर सीरीज में एक दो, ऊपर एक सीरीज में दो दो तीन तीन सेंचुरीज। लेकिन बहुत ही शानदार 113 रन्स किए हैं जनाब, 12 चौके एक छक्का, बहुत ही लाजवाब शानदार। और ये ऐसा ही है कि जैसा हम पहले देखा करते थे, तो सब्सक्राइब कर सकता है। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद ये बेचारा शनाका वगैरह रो ना दें बैठ के ग्राउंड में, जिस तरह से मारा है विराट कोहली ने। लेकिन पहले शुरू पूरी वर्ल्ड क्रिकेट, हाजिर क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर, जितने भी नाम नयात कागजी पेपरी किंग खेलने, उन सब किताबी कागजी पेपर के जो बच्चे बनाते हैं कलर पेंसिल लेके, उन किंगों का एक ही बाप विराट कोहली। विराट कोहली के सेंचुरी से पहले ये मैं बता दूं कि जो इंडियन करंट स्कीपर है रोहित शर्मा, उनका कोई मसला नहीं है। रोहित शर्मा का मसला फिटनेस था, क्योंकि वो छोटी टीम और बड़ी टीम नहीं देखता भाई। रोहित शर्मा जब मारता है तो वो किसी को भी मारता है। आज अच्छा ये लगा शुरुआती बारी से उनकी, कि रोहित शर्मा जिस तरह की कमांडिंग फॉर्म में नजर आए, मतलब रोहित इज टोटली बैक। रोहित शर्मा आज आ गए हैं जोबन पर और जो बैटिंग उन्होंने शुरू में की है, कमाल कर दिया। जो अग्रेसिव इंटेंट उनकी तरफ से शो की गई, और फिर शुभमन गिल भी बाद में मजबूर हो गए कि वो आई मस्ट से कि विराट ने महफिल लूट ली। इसलिए लूट ली कि एक अच्छा करेजियस स्टार्ट मिला हुआ था, तो विराट ने थ्रो नहीं किया, गिव अवे नहीं किया। उसके बाद भाई आज की विराट की 100 के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों क्रिकेट के बादशाह, यानी वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह, आज इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त सुप्रीम और कमांडिंग फॉर्म में आ गए भाई। आज इन दोनों ने जवाब दे दिया, रोहित शर्मा विराट कोहली ने, उन तमाम लोगों का जो ये कल खबरें चला रहे थे रोहित शर्मा के लिए कि ये T20 में नहीं होंगे और विराट कोहली T20 में नहीं होंगे।
बता दिया रोहित शर्मा ने टॉप ऑर्डर में आकर, उससे बोला इतना मारूंगा पकड़ के ओडीआई में कि टी20 की बल्लेबाजी भी भूल जाओगे। वो चाहता तो अपने भी 100 कर सकता था, 8-10 बॉले रोक भी सकता था, वो तो कप्तान है, कौन पूछता उसको। उससे बोला मुझे घंटे की इनिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी फायर इनिंग चाहिए, जो फायरिंग वो करके गया अनबिलीवेबल। यानी कि धोनी ने जो वो क्या किया और शानदार किस्म की सेंचुरी जो है किंग कोहली ने दाग दिया इन इंडिया, क्या कहेंगे दाऊद साहब? देखो अनबिलीवेबल है, और विराट कोहली ने आज करके दिखा दिया अपनी 73वीं सेंचुरी, 73 सेंचुरी मार डाली है। और एक बात तो लिखता है कि एवरीवन इज अ किंग अंटिल द रियल किंग्स वन एंटर। बिल्कुल छा गया विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया। भारत ने 373 रन बोर्ड पर ला दिया, एक और ताबड़तोड़ 73वां सेंचुरी विराट कर दिया, 7300 अनबिलीवेबल। सचिन के बाद नजर आ रही है और लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपने खिलाड़ी का रिकॉर्ड ही तोड़ने की पर नजर आए। 2022 का आखिरी ओडीआई विराट का 100, 2023 का पहला ओडीआई विराट का 100। ये तो विराट ने जो है वो तबले जंग बजा दिए उन सब के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आ रहे हैं, उनको ये बता दिया कि भाई 2023 मेरा साल है। भाई ये अगर आप देखोगे ओडीआई फॉर्मेट तो विराट कोहली छोड़ेगा नहीं, और जिस तरीके से विराट ने आगाज किया 2023 का सेंचुरी बैक टू बैक सेंचुरी है। सिर्फ बात सेंचुरी की नहीं है, अगर आप इसकी सेंचुरी देखो तो किस तरीके की सेंचुरी है वो भी आप देखो, ताबड़तोड़ सेंचुरी थी। 7 बॉलों पे 113 स्ट्राइक रेट, 129 का एक छक्का, 12 चौके, ओडीआई में 129 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत अच्छा। इवन टी20 का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट है टी20 में 129 का, क्योंकि ये तेज खेला और ये टीम के काम आई है। और आप देखो 373 रन से श्रीलंका को वो टारगेट दे दिया कि अब श्रीलंका क्या हो सकता है। मैं तो जिसको कहते हैं ना यही वजह है जो आज यहाँ इसकी तस्वीर मैंने एक अरसे से लगाई, बुरे टाइम का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली को। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत है। और फाइनली इसको कहते हैं ना, अब हमारे से कहते हैं ना टाइम पूरा जबरदस्त किस्म का आने वाला है, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से रन आने वाला है, क्योंकि अब ये नहीं रुकेगा। अब विराट कोहली अनस्टॉपेबल हो चुका है, ये नहीं रुकेगा। और मुझे डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है ओडीआई का, विराट कोहली मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर इतिहास लिखने वाला है। क्योंकि विराट कोहली ने बड़ी स्ट्रगल किया है 2 साल के अंदर, और विराट कोहली का बल्ला बड़े अच्छे टाइम पे चला है, क्योंकि हमने देखा टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मुझे लग रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, मुझे लग रहा है कि विराट कोहली इतिहास लिखने जा रहे हैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप। पहला भी 2011 का विराट कोहली ने खेला था, एक और वर्ल्ड कप खेलेगा, और मुझे लग रहा है अगर ऐसे ही फॉर्म नहीं तो ये वर्ल्ड कप इंडिया को जितवा देगा। क्योंकि जिस किस्म की विराट कोहली फॉर्म में आया हुआ, इतना कॉन्फिडेंस आप देखिए, आज इंडिया ने कितने रन मारे हैं। मैं स्टिल समझता हूं कि अभी 50 रन शॉर्ट है इनको सूर्य कुमार, बहुत मुश्किल आगे वक्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से विराट कोहली ने मतलब खेला है, उसका सेकंड सक्सेसिव 100 इन ODIs, और इत्तेफाक की बात देखें कि द लास्ट मैच ही प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसमें ईशान किशन ने 210 किए थे, उसमें भी कोहली ने 113 किए थे। यहाँ पर आज फिर उसने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में पहले ODI में 113 कर दिया, एंड एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। अब दूसरी तरफ रोहित शर्मा साहब ने भी फरमा दिया जी कि उनका अभी कोई प्लान नहीं है टी20 इंटरनेशनल छोड़ने का, और जो कोहली की अपनी फॉर्म है। अब मुझे ऐसे आज फील आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज ऐसी फील आई कि रोहित, कोहली एंड केएल, ऑल थ्री ऑफ देम, दे केम आउट टू बैट टुडे वांटिंग टू प्रूव अ पॉइंट, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ये जो बातें चल रही हैं कि केएल को इसको चांस मिला, लेकिन द वे ही प्लेड यार वो सिंपली फंटेस्टिक। मतलब ये क्या चीज़ क्या है ये कोहली, मतलब देखें आज जो डिसीशन था मतलब पहले फील्डिंग करने का श्रीलंका, कोहली मेड देम पे फॉर इट, व्हाट अ इनिंग्स यार, मजा आ गया उसके। अब कोहली की पता एक बात बिल्कुल अलग है, आई मीन वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, उसकी जो क्लासीनेस है ना, जो उसका फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, जो उसके पास वो जो क्लासिकल स्ट्रोक्स है, वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में वैसे ही खेल के देता है वो। और आज भी उसने ही प्लेड सम सुपर्ब शॉट्स यार, मतलब जो 1200 चौके लगाए, लेकिन यार मैं सोच के मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि 73 सेंचुरीज हो चुकी है उस बंदे की अब यार इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई मीन द गाय स्टिल हैज, इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी लीन टाइम सम टाइम बैक, उसकी फिर दोस्तों जिस तरह ने विराट कोहली ने बैटिंग की और जिस अंदाज से विराट कोहली खेल रहे थे, जैसे कवर ड्राइव लगा रहे थे, उनका जो फ्लिक शॉट होता है वो खेल रहे थे, देख के लग ही रहा था कि विराट कोहली आज शतक बनाने वाले हैं। और रोहित शर्मा ने क्या शानदार किस्म की बैटिंग की, और इसके साथ शुभमन गिल ने भी बहुत ही अच्छा बैटिंग की, और ओपनिंग जोड़ी ने ही इंडिया को बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में ला कर खड़ा कर दिया।
इंडिया ने श्रीलंका को 374 रन का लक्ष्य दिया और श्रीलंका इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 306 रन पर ढेर हो चुकी और इंडिया ये पहला वनडे जीत गया है दोस्तों। अगर दोस्तों विराट कोहली को देखे तो किंग कोहली फिर से अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। जिस तरीके से किंग कोहली खेल रहे हैं लगता है कि वो ओडीआई में सेंचुरी बनाने वाले जो दो ओडीआई बचे हैं उसमें विराट कोहली सेंचुरी बनाएंगे और आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। और रोहित शर्मा जिस तरीके से दोस्तों आज खेल रहे थे लग रहा था कि रोहित शर्मा भी 100 रन बनाने वाले हैं, लेकिन रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और शुभम गिल जो केएल राहुल की जगह उनको खिलाया गया है वो अच्छा ही किया इंडिया ने कि केएल राहुल की जगह शुभम गिल को खिलाया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद या फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंडिया ये मुकाबला जीत गया।